हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर मैं एक पैरेट फिश बाय करके लेके आया हूँ, ये पैरेट फिश बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा डरी हुई है, पंप के नीचे में, फिल्टर के नीचे में, किसी ग्रेवेल्स के पास में, किसी रॉक के पीछे में हमेशा छुपी हुई रहती है, कुछ नहीं खा रही है, कुछ टैंक के बाहर स्विम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो इस फिश का हम लोग स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी हम लोग कोई फिश बाय करके लेके आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले एक पैरेट फिश का स्ट्रेस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, एक पैरेट फिश को कैसे एक एक्टिव फिश बना सकते हैं, कैसे एक प्लेफुल फिश बना सकते हैं। तो आज का वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक पैरेट फिश बाय करके लेके आए वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। नॉर्मली हर फिश के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो फिश बहुत ही दूर से ट्रांसपोर्ट करके आती है फिश शॉप में, फिर फिश शॉप से फिर आपके घर पे आती है, वो इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद बहुत कॉमन होता है, वो लोग का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर उस फिश को अगर आप बाय करके लेके आए वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, तब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टैंक का मैक्सिमम टाइम को लाइट को ऑफ रखना है। टैंक का लाइट अगर ऑफ रखिएगा और उसके बाद दूर से ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा वो फिश फिर ठीक बाहर आएगी, स्विम करेगी ओपनली, डरी भी रहेगी लेकिन तब भी बाहर आके स्विम करेगी, टैंक को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन भाई अगर आपका टैंक का लाइट वगैरह ऑन रहेगा इससे भी फिश जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी, बहुत ज्यादा डरी भी रहेगी। स्टार्टिंग के टाइम पे कभी भी कोई भी फिश अगर आप ऐड करते हैं उस टाइम पे अगर आपकी फिश बहुत ज्यादा डरी हुई है स्ट्रेस में, तो लाइट को हमेशा ऑफ रखिएगा, दूर से ऑब्जर्व कीजिएगा। रूम्स का लाइट भी अगर ऑन रहेगा तो उससे भी इनफ लाइट मिल जाता है एक टैंक को, वैसे ही रहने दीजिए। फिश देखिएगा पूरा टैंक को सही से एक्सप्लोर करेगी, उसके बाद उसका धीरे धीरे करके स्ट्रेस जो है वो कम होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर एक फिश बहुत ज्यादा डरी हुई है, आप देखिएगा एकदम टैंक के एक साइड में अपने आप को हाइड कर रही है, बहुत ज्यादा डरी हुई है और आपके टैंक में कोई भी हाइडिंग प्लेसेस नहीं है, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस ऐड किए। हाइडिंग प्लेसेस अगर एक टैंक पे रहेगा तो इससे भी फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। टैंक में हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर कोई फिश आप बाय करके लेके आए और वो बहुत ज्यादा डर रही है। सिकलेट फिशेस के लिए नॉर्मली हाइडिंग प्लेसेस बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, लेकिन कोई फिश अगर आप बाय करके लेके आए वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, हमेशा छुप के रहती है, तो उसको आप एक हाइडिंग प्लेसेस प्रोवाइड कर दीजिए, हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इससे भी देखिएगा वो जब तक फिश उस हाइडिंग प्लेस में छुपी रहेगी तो उसको लगेगा वो सेफ है, उससे भी उसका जो स्ट्रेस है उसको कम होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। कई बार ऐसा होता है फिश बहुत ज्यादा जब डर जाती है तो कुछ भी पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको पानी के टॉप में भी आने से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ऐसे टाइम पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर 2-3 दिन से कुछ नहीं खाई है, आपको डर लग रहा है ये फिश अब मर जाएगी, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिएगा, पानी का लेवल को थोड़ा कम कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, अगर नीचे तक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, हाफ कर दीजिएगा, हाफ बहुत है, हाफ तक कर दीजिएगा, उसके बाद अगर पैलेट्स वगैरह दीजिएगा तब भी आप देखिएगा बहुत सारे फिशेस लोग इस टाइम तक भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है तो इससे भी फिश को पैलेट्स खाने का मन होता है, आप देखिएगा आधा रास्ता तक आएगी लेकिन फिर डर से फिश वापस चली जाएंगी। इसका मतलब ये उसको भूख लगा है पैलेट्स खाना है लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है पानी का टॉप से सरफेस से पैलेट्स वगैरह खाने में। तो ऐसे टाइम पे पानी का लेवल को कम कर दीजिए, उसके बाद पैलेट्स वगैरह दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा ये जो भी पैलेट फिश है वो बहुत ही इजीली पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट करेंगे, पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट करेंगे तब इसका क्या है चांसेस बढ़ जाता है थोड़ा दिन और बचने का। अगर वो पैलेट्स वगैरह नहीं खा रही है और अगर आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो इससे डेफिनेटली आपकी पैलेट फिश जो है वो स्ट्रेस से मर जाएगी। और जब भी पैलेट्स वगैरह दे रहे हो उस टाइम पे टैंक का लाइट जो है वो आपको ऑफ करना है और उसके साथ ही साथ आपको टैंक से बहुत ज्यादा दूर जाके बैठना है, दूर जाके ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं एकदम टैंक के पास में, क्योंकि वो आपसे पहले बात तो ऐसी ही डर रही है और लाइट वगैरह ऑन रखिएगा तो इससे उसका स्ट्रेस जो वो बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप टैंक से दूर रहिएगा, लाइट को ऑफ रखिएगा, टैंक थोड़ा हल्का डार्क रहेगा तो वैसे टाइम पे आप देखिएगा वो पैलेट फिश धीरे धीरे करके आएगी और पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। ये भी बहुत ज्यादा वर्क करता है, अगर आपकी कोई एक फिश अगर आपने टैंक में डाली वो बहुत ज्यादा डरी हुई है तो कोई ऐसा फिशेस बाय कीजिए या फिर उस टैंक में डालिए जो कि बहुत ज्यादा फ्रीली टैंक पे ओपनली स्विम कर रही है। अगर एक बहुत ज्यादा डरी हुई फिश दूसरी फिशेस को अगर देखेगी कि ये सारे फिशेस जो वो बहुत अच्छी तरीके से ओपनली स्विम कर रही है, इससे भी उस फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ये मैं अपने टैंक पे भी बहुत बार किया हूँ, ये भी मेरे टैंक पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर मेरी कोई एक फिश बहुत ज्यादा डर रही है तो मैं कुछ दिन के लिए अपना दूसरा टैंक का फिशेस उसमें डाल देता, वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, वो लोग टैंक पे ओपनली स्विम करती है,
जब वो पैरट फिश उस फिश को देखती है कि वो ओपनली स्विम कर रहा है, तो वो भी क्या करती है, अपना हाइडिंग प्लेस से निकल के उसके साथ स्विम करना स्टार्ट कर देती है। तो आप लोग ये भी जरूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका था जिसको हम लोग अपने आप में कर सकते हैं। तो ये सारा बहुत ईजी तरीका था जिसको हम लोग अपने टैंक में थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में, कुछ रॉक सॉल्ट वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अब क्या दे सकते हैं जिससे कि इस फिश का स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिले। सबसे पहले तो आप, जैसे मैं बता रहा था, रॉक सॉल्ट को आप डाल सकते हैं। रॉक सॉल्ट एक फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रॉक सॉल्ट का बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत डालिएगा, थोड़ा बहुत अगर आपने टैंक में सॉल्ट वगैरह डालिएगा तो इससे क्या होगा, फिशेस को इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या होगा, उसका स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वैसे ही रॉक सॉल्ट एक फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल वगैरह भी डाल सकते हैं। एलोवेरा प्लांट से उसका जो भी जेल वगैरह था उसको आप निकालिए, ये भी एक फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ अगर उसका स्लाइम कोट में कुछ प्रॉब्लम आया था, स्लाइम कोट भी किसी भी फिश का, उसको हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक एलोवेरा जेल। तो आप अपने टैंक में एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास रॉक सॉल्ट नहीं है तो। रॉक सॉल्ट है तो आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।